गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 डेसिमल में एक्सरसाइज 7.8 समझेंगे और बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द क्वोशेंट। आपको क्वोशेंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.2 डिवाइड बाय 1.25। स्टूडेंट्स, 5.2 को डिवाइड करना है आपको 1.25 से। तो सभी बच्चे ध्यान दें, 5.2 में केवल एक डेसिमल प्लेस है और फर्स्ट डेसिमल प्लेस को हम क्या कहते हैं, टेंथ, और सेकंड नंबर में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, टेंथ एंड हंड्रेड। तो आपको दोनों ही नंबर के सेम डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं, यानी कि क्वेश्चन सेकंड में 2 डेसिमल प्लेस है, फर्स्ट में 1 है, तो हमें फर्स्ट नंबर के भी 2 डेसिमल प्लेसेस बनाने हैं, यानी कि हमें लाइक डेसिमल बनाना है दोनों ही नंबर का। हमने लाइक डेसिमल बना लिया है, तो हमने हंड्रेड प्लेस पर 0 फिल किया है लाइक बनाने के लिए। क्लियर स्टूडेंट? तो हमारा जो नंबर हुआ है 5.20 और सेकंड नंबर 1.25। क्लियर? दोनों ही नंबर के लाइक डेसिमल हैं, तो हम डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट करते हैं। क्लियर? हमारा नंबर होगा 520 डिवाइड बाय 125। क्लियर? अब हमें 520 को डिवाइड करना है 125 से। डिवाइड करना है 520 को 125 से, लेकिन सभी बच्चों को 125 का टेबल नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। डिविडेंड में आप केवल 5 देखेंगे, डिवाइज़र में आप 1 देखेंगे, तो 1 का टेबल इतने टाइम की 5 आ जाए, 1 5 ज़ा 5। क्लियर स्टूडेंट्स? यानी कि हमारा टेबल 5 टाइम चल जाएगा। हमने 125 का टेबल 5 टाइम रीड किया, तो हमारा आया है 625, जो कि ग्रेटर है 520 से, तो हमारा टेबल 5 टाइम नहीं चलेगा। हम कितने टाइम चलाएंगे, 1 टाइम कम पर, 5 से हम 4 पर चलाएंगे। 4 पर जब हमने चलाया है, तो हमारा आंसर आया है 500, और जो 520 से स्मॉलेस्ट नंबर है, तो अब हमारा नंबर चल जाएगा। लेकिन हमारा जो डिवाइज़र है वो 3 डिजिट का है, तो हमें 3 डिजिट ही मिलेंगी, तो आप 2 डिजिट 5 और 2 के ऊपर क्या लिखेंगे क्वोशेंट में, 0 पुट करेंगे। क्लियर? और 4 टाइम आप क्या लिखेंगे, 500 125 4 ज़ा 500। टेबल पढ़ने के बाद, लिखने के बाद हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब हमारा आंसर आया है 20। टेबल है हमारा 125, क्या टेबल चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम यहीं पर रिमाइंडर छोड़ देते थे, लेकिन ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल का एक्सरसाइज है, तो आप क्या करेंगे, क्वोशेंट में डेसिमल पुट करेंगे और 10 लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपका टेबल 125 200 पर चल जाएगा, तो कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम में एक्स्ट्रा हो जाएगा। 125 1 ज़ा 125, माइनस करेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं होता है, बोरो लेंगे, नेक्स्ट वाले के पास भी 0 है, तो हम थर्ड नंबर से बोरो लेंगे, 2 जब इस वाली 0 को बोरो देगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 2 के पास 1 रह जाएगा, और ये 10 इसे बोरो देगा, तो इसके पास 10 हो जाएंगे और इसके पास 9 रह जाएंगे, तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास नंबर आया है 75, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है 125 से, तो हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, क्योंकि हमने क्वोशेंट में डेसिमल पुट किया हुआ है, तो हम 1 0 लिख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये रूल है,
अगर आपका क्वेश्चन में डेसिमल आपने पुट किया है तो हमें ज़ीरो मिल जाएगा, केवल 10 अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने में। अब यहाँ पर हम एक डिजिट 7 ले लेते हैं और टेबल लेते हैं 1 का, तो 1 के टेबल में 7 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में। तो हम अपना टेबल चला करके देखते हैं, हमने 7 टाइम में टेबल चला कर देखा, हमारा आंसर आया है 875, जो कि 750 से ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम 7 टाइम ना चला करके कितने टाइम चलाएंगे, 6 टाइम चलाएंगे। 6 टाइम हमने चलाया तो आंसर आया 750, जो कि हमारा पूरा पूरा चल जाता है टेबल। तो हम 6 टाइम पर टेबल चलाएंगे 125 का, 125 6 750। क्लियर स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, 0 - 0 = 0, 5 - 5 = 0, 7 - 7 = 0। तो हमारा रिमाइंडर 0 आया है और क्वेश्चन आया हमारा 4.16। तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू 4.16 आंसर। क्लियर, तो सबसे पहले आप लाइक डेसिमल बनाएंगे, लाइक डेसिमल बनाने के बाद आप डेसिमल कैंसिल आउट करेंगे और उसके बाद आप डिवाइड का सम बनाएंगे। तो इसी तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज 7.8 सॉल्व करेंगे।